नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका NK3 ट्यूटोरियल्स के ऊपर। मैं हूँ आपका मेंटर निशान, और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं न्यूरल फिल्टर्स के बचे हुए जो फिल्टर्स है, हार्मोनाइज, कलर ट्रांसफर और कलराइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्मोनाइज देखेंगे। इसके लिए मैंने एक इमेज लिया है जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो एक बैकग्राउंड है और एक पर्सन है यहाँ पर, जो अलग से हमने लिया हुआ है। तो मुझे इस पर्सन को इस बैकग्राउंड के साथ मैच करवाना है, इसके लिए हम लोग हार्मोनाइज यूज़ करते हैं। तो आप लोग को फिल्टर में आना है, न्यूरल फिल्टर्स में क्लिक करना है। जैसे आप लोग न्यूरल फिल्टर्स में आ जाओगे, हार्मोनाइजेशन जो न्यूरल फिल्टर है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। एंड ये जो लेयर है आपका ऊपर वाला, वो आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आप लोग बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करोगे तो आप लोग इसी डिवाइस पर इसको प्रोसेस करेगा, और आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर आउटपुट जो है। आप लोगों को न्यू लेयर पे चाहिए रहेगा तो आप लोग न्यू लेयर पे ले सकते हो, या आप लोग करंट लेयर पे भी ले सकते हो। तो हम लोग न्यू लेयर पे लेके ओके कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये बिफोर है एंड देन आफ्टर। तो इसको थोड़ा सा प्रॉपर ब्लेंड होने के लिए मैंने शेडोज़ भी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर करके देखें। उसके बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं स्टाइल ट्रांसफ़र। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरी इमेज ओपन करता हूँ। इसके अंदर हम लोग कोई भी दो इमेजेस का कलर मैच कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे इस इमेज के अंदर इस टाइप का कलर करेक्शन चाहिए, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और फिल्टर में जाकर न्यूरल फिल्टर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग कलर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप लोग कलर ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई करेगा, आप लोग देख सकते हो डिवाइस के ऊपर ही ये सारा चीज़ें यहाँ पर करके शो करेगा। ऑलराइट, तो हम लोगों को तो एक इसका जो प्रीसेट्स है वो हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग कस्टम यूज़ करेंगे। कस्टम में आप लोग जो भी आपके पास दूसरा कोई फाइल रहेगा उसका आप लोग कलर करेक्शन यहाँ पर ले सकते हो। तो उसको कस्टम में आ जाता हूँ मैं, और जो फाइल्स है मेरा, जैसे यहाँ पर ये ओपन है, इसका नाम आपको याद रखना है। सिंपली आप लोग यहाँ पर आकर उस फाइल को सिलेक्ट करोगे, आप लोग देख सकते हो एक क्लिक के अंदर इसने पूरा कलर करेक्शन कर दिया हम लोगों के लिए। और प्रिजर्व लुमियंस वगैरह आप लोग ऑन रख सकते हो, जिससे इमेज का जो कलर्स है उसका सैचुरेशन वैल्यू है प्रॉपर प्रिजर्व करके रखेगा। तो आप लोग देख सकते हो बिफोर ये ऐसा था, आफ्टर इसको ऐसा किया। तो सेम तरीके से आप लोग आउटपुट जो है न्यू लेयर पर ले सकते हो। इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं कलर स्ट्रेंथ वगैरह, ये आप लोग बढ़ाकर देख सकते हो। न्यू लेयर पर सिलेक्ट कर कर मैं ओके कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये बिफोर और ये आपका आफ्टर है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर थर्ड फिल्टर जो है हमारा कलराइज, आप लोग देख सकते हो इस इमेज के अंदर कलर्स प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इसको हम लोग कलर कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए आप लोग फिल्टर में आ जाओगे, न्यूरल फिल्टर्स में आप लोग क्लिक करोगे और आप लोग कलराइज पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप लोग कलराइज पे क्लिक करोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसको कलर दे देगा। ये डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पर ग्रीनरी है, वाटर है, स्काई है, बिल्डिंग्स है, उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हो इसने कलर करेक्शन कर दिया है। तो ऑटो कलर इमेज जो ऑप्शन है उसको आप लोग ऑन रखते हो। प्रीसेट्स भी होता है अलग अलग तरीके का, प्रीसेट्स भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। प्रीसेट्स यूज़ करने पर आप लोगों को कलर आर्टिफैक्ट रिडक्शन आप लोग कर सकते हो, कुछ पैचेस वगैरह कलर के आते हैं तो आप लोग इसको रिड्यूस कर सकते हो। आउटपुट जो है आप लोग न्यू लेयर पर ले सकते हो, लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने किया हुआ है, तो आप लोग भी इसको जरूर करके देखें और कमेंट में मुझे बताएं। आई होप आप लोगों को न्यूरल फिल्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम लोगों ने हार्मोनाइज, स्टाइल ट्रांसफर और कलराइज, ये तीन न्यूरल फिल्टर देखे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स अगर आपको देखना पसंद है तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।